जय मां भवानी। कैसे भक्तों, आप सभी भक्तों को मां कामाख्या ज्योतिष की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, मैं आज ऐसा आपको एक वशीकरण मंत्र बताने के लिए जा रहा हूं। यह मंत्र मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। भक्तों, आपको पता है जैसे तंत्र मंत्र कोई हम नहीं लिखते हैं, ग्रंथ लिखता है, और मैं आपको आज गुरु गोरखनाथ का लिखा हुआ वशीकरण मंत्र आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आज तक तंत्र मंत्र के दुनिया में हमारे गुरु गोरखनाथ से बड़ा कोई भी तंत्र मंत्र के दाता या साधक जो है वो पैदा नहीं हुआ, योगी पैदा नहीं हुआ। और बिल्कुल साधारण सी चीज है भक्तों, साधारण सा मंत्र है, और उसको अगर आप सिद्धि कर लेते हैं तो स्त्री क्या, पुरुष क्या, दुश्मन क्या, आप सभी को बस में कर सकते हैं। जो मैं आपको आज वशीकरण मंत्र बताने के लिए जा रहा हूँ, अब तो सबसे मैं आपको उससे पहले आपको विधि बता दूं कि आपको करना क्या है। भक्तों, सबसे पहले जो है आपका जो नाम है, आपका जो राशि है, उस राशि का जो है आप नग जो है वो बना लें। राशि का नग आप किसी भी अंगूठी, किसी भी हाथ तर्जनी का आप बना लें, और उसको बनाकर जो है आप रखें, और सही नक्षत्र में जो सही नक्षत्र हो, पूर्णमासी हो, दीपावली हो, दशहरा हो, या कोई भी महीना में पूर्णिमा हो, उसमें आप कर सकते हैं, अमावस्या में कर सकते हैं। मात्र 5 दिन का है, और 5 दिन में आपको 25,000 जाप जो है आपको पुराना है। अगर 25,000 जाप करके सिद्धि कर लेते हैं तो आपको मैं दावे के साथ बता रहा हूँ कि सारी दुनिया को बस में कर सकते हैं आप। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, उसमें हमारी क्या गलती है। अब उसकी विधि हमने आपको बताया कि सबसे पहले अपनी राशि का जो है आप नग जो है ओरिजिनल अंगूठी जो है वो बना लें। बनाने के बाद क्या करें, आप किसी शुभ मुहूर्त में जो है वह आप पीला वस्त्र पहने, और पीला आसन चाहिए आपको, पीला आसन चाहिए, और पीला आसन जो है उत्तर में रख के दक्षिण की ओर आप बैठे, पीला वस्त्र पहन के और पीला जो है आसन पर आप बैठे, और आंखों के सामने बिल्कुल जो है वह आप जो है उस अंगूठी को रख दें, अंगूठी को रखें। लेकिन 25,000 आपको 5 दिन का ही है, 25,000 जाप आपको पुराना पड़ेगा, उसको रखें। और जब तक आप जाप करते हैं, या तो माला से करिए या ऐसे करिए, ऐसे भी हो जाएगा और रुद्राक्ष के माला से भी हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, काले मूंगे से भी हो जाएगा, लाल मूंगा से भी हो जाएगा, कोई माला से हो जाएगा। लेकिन उस अंगूठी के ऊपर जो है जब तक आप जाप करते हैं तब तक जो है आपका ध्यान होना चाहिए, और ये गुरु गोरखनाथ का लिखा हुआ है। यह मंत्र आपने सिद्धि कर लिया तो आपको जो है आप संसार को, 3 लोक को बस में कर सकते हैं। अब आपको मैंने ये विधि बताया, अब आप किसी भी नक्षत्र में कर सकते हैं ये भी बता दिया, और अपने राशि का जो है ओरिजिनल नग बनाना है, अंगूठी बनाना है चांदी में, और उसको देखते हुए आपको 5,000 एक दिन में जाप करना है। भक्तों, कठिन तो है, मुश्किल तो है, कोई चीज आसान नहीं है, घर बैठे कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और उसको देखते रहिए त्राटक, मतलब उसको, उस अंगूठी को देखते रहिए। और आपको मंत्र क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूं, मोह कम मोह कम, मोह कम मोह कम कहां से आया, मोह कम कहां से आया, ये किसका संदेशा लाया, ये किसका संदेशा लाया, किसका रोली किसको फूल, किसका रोली किसको फूल, किसको बतासा किसको अंजन, किसको बतासा किसको अंजन, काल को छोड़ू काल को भैरू, काल को छोड़ू काल को भैरू, काल को श्रुति जोड़ू, काल के श्रुति मुंह को जोड़ू, सत्य वचन गुरु गोरखनाथ की जय, सत्य वचन गुरु गोरखनाथ की जय। यह मंत्र है, इस मंत्र को 5 दिन में 25,000 आपको पुराना है, और उस अंगूठी को आप जो है वो दाहिने हाथ नहीं, बाएं हाथ की किसी उंगली में आप पहन लेना है उसको,
उसको पहनने के बाद 1 महीना आपको अंगूठी पहनना है बायां हाथ की किसी भी उंगली में। उसके बाद 1 महीने बाद उसे खोलकर आप जो है किसी सफेद कागज पे आप जिसको भी जिसके ऊपर वशीकरण करना है उसका नाम जो है काजल से, काला काजल से उसका नाम को लिखना है। और उस नाम को लिखने के बाद जो आपकी बाएं हाथ में अंगूठी है उस अंगूठी को आप जो है उसके नाम के ऊपर आपको रखना है। और रखने के बाद जो मंत्र मैंने आपको बताया है उस मंत्र को 108 बार पढ़ना है, यानी 3 दिन 108 बार 3 दिन उसको पढ़ना है। उस नाम लिखा हुआ कागज पे जो आपने लिखा है उस पे आप अंगूठी को रख देना है और 108 बार पढ़ना है। 3 दिन आप उन व्यक्ति का नाम लेके वो लिख दिया है और उसको अपने मन में उनका नाम जो है उसका उच्चारण करिए और उस मंत्र को पढ़िए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं 3 लोग बस हो जाता है इस मंत्र से। कोई गुरु गोरखनाथ कोई मामूली चीज नहीं थे और इंसान तो इंसान क्या, पशु पक्षी सभी बस हो जाते हैं। तो इसको आप करें और इससे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इस कार्य को सही काम के लिए आप करना, सही उद्देश्य के लिए करना और इसको गलत यूज नहीं करना। अगर आप गलत करते